स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू निकाल रहे थे जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ रहता था, यानी कि रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इन सब का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया होता था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखते थे और सीधा उस पर वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है जहां पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना दे करके उसकी जगह पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन कहने का मतलब जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने जाते हो तो सिर्फ आपके पास में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा और वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, उसी को इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ में प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगेगा। जिस रेशियो में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसी रेशियो में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, और हमें निकालना होता है कि जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तब उस कंडीशन में उनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है। तो इसे हम आपको कुछ एक इक्वेशन से बताते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करना। मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन में ए बी रिएक्टेंट और ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है और ये कन्वर्ट कर रहा है ए प्लस बी में, एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकता है, आगे डिस्कस भी करेंगे उसको। इस जगह पर इनका इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनका इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ है सी। ए बी का इनिशियल कंसंट्रेशन है सी। इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का जीरो होगा। रीजन ये कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं उस वक्त में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग जीरो कर दिए। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल को आप देखोगे, ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, वन, तो वन मोल है तो इसलिए इसको आप एक्स कर दो, अगर ये टू मोल होगा तो यहाँ टू एक्स करेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल भी वन है तो यहाँ एक्स कर दिए, यानी कि ए और बी का कुछ फॉर्मेशन हुआ है, एक्स कोई अमाउंट होगा जो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। ए बी का इनिशियल कंसंट्रेशन था सी, अब जिस रेशियो में ये बढ़े हैं उसी रेशियो में ये घटेगा। अब देखो यहाँ AB का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1, तो इसलिए C माइनस एक्स कर देंगे, अगर यहाँ 2 रहता तो C माइनस 2x कर देते, ये इनका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गया, यानी AB का कंसंट्रेशन हो गया C माइनस एक्स, C इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, अगर मान लेंगे 5 तो C की जगह 5 कर देंगे तो 5 माइनस एक्स एक्स एक्स, या कोई क्लू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार से हम लोग गेस करेंगे, बट फॉर्मेट ये आ गया। अब अगर x का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है तो सब हम लोग लिखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में आएगा। Kc का एक्सप्रेशन ऊपर में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को रखते हैं तो a इंटू बी, और नीचे में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पर वैल्यू आ गया x, b की जगह पर वैल्यू आ गया x, और ए बी की जगह पर वैल्यू आ जाएगा सी माइनस एक्स। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को रिपीट करके भी देखो, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है, जनरली स्टूडेंट इस पोर्शन में कंफ्यूज रहता है, तो इसको यहां तक पहले नोट कीजिएगा। दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नंबर ऑफ मोल 1 था, अब थोड़ा चेंज करते हैं। मान लिया ए इज रिएक्टेंट एंड इट गिव 2 moles of B and 1 mole of C, इनका formation करता है। इस जगह पर भी initial concentration सिर्फ reactant का होगा, कुछ भी हो सकता है, आप initial concentration C भी मान सकते हैं, A है तो इसका initial concentration A भी मान सकते हैं, यानी कि statement जो दिया रहेगा वो इनके initial concentration को हम A मान लिए। ये चूंकि product है तो इसलिए इसका initial concentration 0 होगा, C का भी initial concentration 0 होगा। अब एट इक्विलिब्रियम के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना हो कि एट इक्विलिब्रियम इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इधर आ जाओ, यहां पर इनका नंबर ऑफ मोल 1 है,
तो सी के लिए आप लिखोगे एक्स, बी का नंबर ऑफ मोल 2 है तो यहां आप लिखोगे 2x, और इस जगह पर इनके इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस करेंगे, इनका नंबर ऑफ मोल 1 है इसलिए ए माइनस एक्स लिखा गया, इनका 2x हो गया चूंकि 2 मोल था, इनका 1, यानी ये फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, जीरो से यहां गया क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और इनका इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, अब जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसी रेशियो में इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और इनके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहां ये आ जाएगा बी टू द पावर 2 इंटू सी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब वैल्यू पुट कर दो बी की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगा 2x, फिर 2x टू द पावर 2, क्योंकि ये पावर 2 क्यों आ गया क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, C की जगह पर वैल्यू कितना आ जाएगा x, और a की जगह पर वैल्यू आ जाएगा a माइनस x। न्यूमेरिकल पर आएंगे बाद में, पहले हम आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे, और जब ये लिख देंगे तो बाकी a और x का वैल्यू ही फाइंड करना है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक और इक्वेशन बताते हैं हम इसी से रिलेटेड, सपोज 2a प्लस बी इट गिव 3c प्लस टी, ये दिया यानी कि अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स हैं, ताकि यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट का दिया हुआ हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ए है, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन बी है, चूंकि सी ऑलरेडी प्रोडक्ट है यहां 0 और यहां 0, अब एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है कि एट इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन कितना है, तो यहां डी का देखो नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 मोल के लिए एक्स कर दी, सी का नंबर ऑफ मोल 3 है तो यहां 3x कर दी, अब बी का नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहां लिखेंगे हम लोग बी माइनस एक्स, ए का नंबर ऑफ मोल 2 है तो यहां लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन ए, नंबर ऑफ मोल 2 है a माइनस 2x हो गया, और जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी का a और b का वैल्यू पुट करेंगे मेथड बनाएंगे वहां पर, अभी डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं, तो यहां प्रोडक्ट में c टू द पावर 3 इनटू d डिवाइडेड बाय a का पावर 2 हो जाएगा एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b, वैल्यू पुट करवा c की जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 3x, तो 3x टू द पावर 3 इनटू x डिवाइडेड बाय a का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस 2x टू द पावर 2, और b की जगह पर आ जाएगा b माइनस x। तो हमें लगता है कि अब एक्सप्रेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अब एक दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसको भी जैसे बताया है वैसे आप कॉपी करोगे, और अगर कुछ रिएक्शन दिख रहा है तो उसको लिखने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम 7.4 ये छोड़े थे आपको, बताया था कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अब यहां पर ये समझ में आएगा आपको कि कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन में कराया था वैल्यू ऑफ केसी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ केसी, केसी का वैल्यू दिया हुआ है इज 4.24 एट 800 कैल्विन, 4.24 एट 800 कैल्विन टेम्परेचर पे, आगे देखते हैं क्या निकालना है 800 कैल्विन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है CO इट इज इन गैसेस स्टेट प्लस H2O इन गैसेस स्टेट, H2O गैसेस करने का मतलब स्टीम दिया हुआ है यहां, इट गिव रिवर्सिबल रिएक्शन है CO2 इन गैसेस स्टेट, CO2 इन गैसेस स्टेट प्लस H2 इन गैसेस स्टेट, H2 इन गैसेस स्टेट, ये याद करो, यहां हम लोग जो वाटर गैस पढ़े थे उस जगह पर भी इसी तरह से रिएक्शन है। खैर यहां कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि इन सब का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का वैल्यू निकाल रहा है, इक्विलिब्रियम में कितना आएगा of CO2, H2, CO and H2O at 800 Kelvin, if only CO and H2O are present,
इनिशियली एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.10 मोलर, यानी कि इनिशियली यहां दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और कहा गया है कि इनिशियली सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है। जाहिर सी बात है इनिशियली तो वही रहेंगे, प्रोडक्ट तो इनिशियली होता नहीं है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां इनका दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन इनका 0.1 मोलर दिया हुआ है, H2O का भी 0.1 मोलर दिया हुआ है, और अभी आपको बताए थे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इन दोनों का जीरो हो गया। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम इनका नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसको x मान लेंगे, इनका नंबर ऑफ मोल 1 है तो ये x हो जाएगा, H2O का नंबर ऑफ मोल भी 1 है, ये 0.1 माइनस x आ गया, ये 0.1 माइनस x आ गया। और आपको क्या करना है, इन्हीं 0.1 माइनस x का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO, ये 0.1 माइनस x H2O का होगा, x आएगा CO2 का, ये x आएगा H2 का। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट KC का एक्सप्रेशन लिखो, यानी इनका एक्सप्रेशन आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही लिखा जाता है, तो CO2 की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगा, x, H2 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, x, और नीचे में CO की जगह पर वैल्यू है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.1 माइनस x इनटू 0.1 माइनस x। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, यहां KC का वैल्यू दिया हुआ 4.24, तो अगले स्टेप में हम लोग बढ़ सकते हैं, KC की जगह पर लिख दिया 4.24 इज इक्वल टू x, और x ये वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां नीचे में 0.1 माइनस x का स्क्वायर। अब ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, अब इसको आप देखोगे बुक में भी देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बना है, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको किसका वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर इसको आप x का वैल्यू सोल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपके बुक का ये सोल्व क्वेश्चन है, तो हम सीधे डायरेक्ट इसके आंसर पर आ जाते हैं। तो यहाँ इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में बताया इसका कि x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आ सकता है 0.194 और दूसरा वैल्यू आ सकता है 0.067। तो आप गेस करो, ये ऑलरेडी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा इनिशियल से कम होगा, माइनस करना है, तो इसका मतलब ये 0.194 ऑलरेडी नेगलेक्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल से ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होने का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर गया, तो इसलिए 0.194 नहीं होगा, 0.067 होगा। अब जब ये पता चल गया तो इसके बाद में बाकी का आप क्वेश्चन हम सोल्व कर लें, तो एट इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन CO का निकालते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO इज इक्वल टू 0.1 माइनस x, तो 0.1 माइनस x यानी 0.1 माइनस 0.067, इसे सोल्व कर लोगे। उसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये वैल्यू हुई है 0.1 माइनस x, इस x के वैल्यू को यहां पुट करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ये वैल्यू x के बराबर है, और x आप निकाल चुके हैं, ये 0.067, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 ये भी x के बराबर है, तो ये 0.067 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था और KC का वैल्यू दिया हुआ था, और आपको निकालना था कि इक्विलिब्रियम में इसके कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, जो यहां सॉल्व किया, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम 7.6 पर, ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक का है, लेकिन इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर, और आप थोड़ा सा एक बार बुक ध्यान से पढ़ोगे। वहां पर KC था, इस जगह पर KP यूज किया है। The value of KP for the reaction
इसके क्वेश्चन में केपी का वैल्यू दिया हुआ है इज 3.08,000 केल्विन, 3.0 यानी कि 3 ले सकते हैं एट 1000 केल्विन यहां। और रिएक्शन क्या है, CO2 इन गैसेस स्टेट प्लस C इन सॉलिड स्टेट इट गिव 2CO इन गैसेस स्टेट, 2CO इन गैसेस स्टेट। आगे कह रहा है इफ इनिशियली प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.42 बार, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन CO2 का दिया हुआ, तो कंसंट्रेशन मोलरिटी में भी होता है और पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है, एटमोस्फेयर या बार में भी हो सकता है। तो चूंकि केपी दिया हुआ इसलिए यहां बार दिया हुआ है, यह वैल्यू दिया हुआ है 0.48 बार, यहां 0.48। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, यहां पर भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज करोगे। पहले इसके बारे में, हम लोग सॉलिड के कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं करते क्योंकि सॉलिड को यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसके सॉलिड को छोड़ करके चलो, ये प्रोडक्ट है इसलिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो हो गया। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम इनका नंबर ऑफ मोल 2 है तो यहां यह वैल्यू आ गया 2x, इनका नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहां यह वैल्यू आ जाएगा 0.48 माइनस एक्स। अब केपी का वैल्यू लिखोगे, केपी इट वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहां जो कि नंबर ऑफ मोल 1 है इसलिए इसका पावर 1 होगा, सॉलिड को कंसिडर नहीं करेंगे। अब वैल्यू पुट करो, CO की जगह पर वैल्यू आ गया 2x, इट मींस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में वैल्यू आ गया 0.48 माइनस एक्स। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, केपी का वैल्यू दिया हुआ है, केपी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहां 2x का स्क्वायर करेंगे दिए वैल्यू हो गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस एक्स। अब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए और बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से आप मैथ से पढ़ चुके हैं, आप एक्स का वैल्यू निकालोगे, दो वैल्यू आ गए पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, निगेटिव में वैल्यू होगा नहीं पार्शियल प्रेशर का, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। ये भी चूंकि आपका 100 क्वेश्चन है आपके बुक का, तो यहां पर इसके एक्स का वैल्यू जो निकाला है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। यहां पर फाइनली इसके एक्स का वैल्यू आ गया है 0.33, यानी इसे सोल्व करने पर x का वैल्यू आ गया है 0.33। अब इसी 0.33 को लेकर चलेंगे, अब यहां पर नाउ इसे सोल्व करोगे, लेकिन ये जरूरी है, ये मैथ्स का पोर्शन है और मैथ्स का अंडर 10th का है, बिल्कुल आसान है, आप इसे तो सोल्व करते ही है, मैथ्स बनाए होंगे आप। 0.33 वैल्यू आएगा हमें यहां पर मतलब है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एट इक्विलिब्रियम यहां लिख दोगे नाउ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर कहा जा रहा है, तो नाउ एट इक्विलिब्रियम तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट वुड बी इक्वल टू, ये वैल्यू है 0.48 माइनस एक्स, 0.48 माइनस एक्स, अब एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 0.33 है तो 0.48 माइनस 0.33, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहां पर ये वैल्यू आ गया 5 और यहां वैल्यू हो गया 1, यानी 0.15 बार, क्योंकि स्टार्ट ही किया गया है पास, ये 0.48 बार था और पार्शियल प्रेशर CO का निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 2x, इट इज 2x, तो यहां ये वैल्यू आ गया 2 इंटू x का वैल्यू 0.33, तो 2 इंटू 0.33 इट मीन्स 0.66 बार, तो दोनों आंसर निकल गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी बना हुआ है और यहां जो कंसेप्ट पता है उसके अनुसार से ही अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7.8 पर, एक्सरसाइज का है सारा कुछ, स्टेटमेंट वगैरह सब हम बता देंगे कैसे क्या लिखना है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है।
रिएक्शन बिटवीन एन टू एंड ओ टू टेक प्लेस एज फॉलोज। इनका रिएक्शन दिया हुआ है टू एन टू इन गैसेस स्टेट, टू एन टू इन गैसेस स्टेट प्लस ओ टू इन गैसेस स्टेट, ओ टू इन गैसेस स्टेट इट गिव टू एन टू ओ इन गैसेस स्टेट, टू एन टू ओ इन गैसेस स्टेट। करेक्ट। इफ ए मिक्सचर ऑफ 0.482 मोल ऑफ एन टू एंड 0.933 मोल ऑफ ओ टू, यानी एन टू और ओ टू का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, बाकी जनरल केसेस में मोलरिटी दिया होता था, मोल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इज प्लेस्ड इन ए 10 लीटर रिएक्शन वेसल, देखो वॉल्यूम भी दे दिया, तो अगर मोलरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को 10 से डिवाइड कर दें तो उनका मोलरिटी वैल्यू निकल जाएगा, या स्टार्टिंग में भी आप निकाल सकते हो, लास्ट में भी निकाल सकते हो, जो वैल्यू आएगा वो मोल में आएगा। और चूंकि कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग लास्ट में ही करेंगे। आगे देखते हैं। केसी का वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ केसी इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -37। द वैल्यू ऑफ केसी इज 2.0 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -37। तो आपको इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। वैसे ही स्टार्ट करो, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पर इनिशियल मोल लिख दो, लास्ट में लोग सबको 10 से डिवाइड कर देंगे। एन टू का इनिशियल नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.482, यहां लिख देंगे 0.482, और ओ टू का इनिशियल नंबर ऑफ मोल दिया हुआ 0.933, और ये प्रोडक्ट है इसलिए इसका जीरो हो जाएगा। अब एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो एट इक्विलिब्रियम इनका नंबर ऑफ मोल 2 है तो इसलिए वैल्यू हो जाएगा 2x, इनका नंबर ऑफ मोल 1 है तो 0.933 माइनस एक्स, और इनका नंबर ऑफ मोल 2 है तो 0.482 माइनस 2x, ये निकल गए। अब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो KC इज इक्वल टू, अब चाहे तो आप इसे 10 से डिवाइड भी कर दे सकते हैं, नंबर ऑफ मोल या निकल गया है, या फिर लास्ट में निकाल सकते हो। KC इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन टू टू द पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू। जैसे अगर 10 से आप डिवाइड कर मोलरिटी निकालना होता है, तो यहां पर अगर इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, इसे भी 10 से डिवाइड कर दोगे, ये तो जीरो है, तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा 0.0482, ये मोलर हो गया, यहां ये वैल्यू आ जाएगा 0.0933, ये इनका नंबर ऑफ मोल हो गया। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, तो इनकी जगह पर वही यूज करो, तो जहां मोल है उसकी जगह पर आप टर्म क्या यूज कर देंगे, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा 0.0482 माइनस 2x, आगे फिर डिवाइड करने का टेंशन ही नहीं है, यही पर कर देते, ये ठीक रहेगा। 0.0933 माइनस एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, केसी का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -37 इज इक्वल टू एन टू ओ की जगह पर वैल्यू आ गया है 2x, तो यहां पर 2x का स्क्वायर, एन टू का वैल्यू आया है 0.0482 माइनस 2x स्क्वायर, यहां इनका वैल्यू है 0.0933 माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल 1 था। अब फिर ये भी उसी तरह से इस बार में देख रहे हो कि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सब जगह पर ये डेसिमल में दिया हुआ है, 10 के पावर में भी कन्वर्ट कर लो आप, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, x का वैल्यू निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे तो 2 वैल्यू हो, तो ध्यान ये रखना है कि x का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं होगा, x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, उसके बाद का जो दूसरा वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे। जब ये x निकल जाएगा
तो उसके बाद फिर निकालोगे नाउ एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में N2 का निकालना है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इट वुड बी इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया है 0.0482 माइनस x। तो इस x के वैल्यू को यहां पुट कर दोगे ये निकल जाएगा सॉरी 2x है x नहीं 2x माइनस 2x मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये वैल्यू आ जाएगा 0.0933 माइनस x और N2O का जब निकालेंगे तो N2O इज इक्वल टू वैल्यू है 2x। तो यहां जो x का वैल्यू है उसको आप पुट करोगे तो इस तरीके से ये तुम्हें का आपका बन जाएगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल के कैलकुलेशन कीजिएगा तब इस वाले क्वेश्चन पर काम आने होगा। आपको हर एक वो काम करना होगा जो दूसरे छोड़ते हैं क्योंकि जमाना कंपटीशन का है तो कंपटीशन में आप सबके साथ में चलेंगे तब तो जो रिजेक्शन होता है 90% स्टूडेंट का उस वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। सिलेक्शन या कंपटीशन सिर्फ 10% स्टूडेंट के बीच में होता है 90% सिर्फ ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं उतने लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं है। तब आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो 90% जो सिर्फ ऐसे ही भीड़ का एक पार्ट है या फिर वो 10% जिसका अपना कुछ टारगेट है और वो टारगेट के लिए बहुत ज्यादा आपको जान प्राण देने का जरूरत नहीं है बस ये सब छोटा छोटा वो चीज जो स्टूडेंट को करना है वो आपको कीजिए और जो दूसरे इग्नोर करते हैं जब जैसे यहां लगा कैसे ये वैल्यू हो गया हम बाद में निकाल लेंगे कब निकालेंगे एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो यहां तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप फिर दोबारा भी ट्राई कर सकते हो एग्जामिनेशन में तो आप गलत करके चले गए तो इसलिए यहां इसको सॉल्व कीजिएगा। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.9 पर 7.8 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड React with bromine and give nitrosyl bromide as per the reaction given below. Chemical equation दिया हुआ है 2NO in gaseous state plus Br2 in gaseous state. It give 2NO Br in gaseous state. 2NO Br in gaseous state. आगे क्या कह रहा है When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br2 are mixed in a closed container, यानी कि इन दोनों को का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है यानी इनिशियल कंसंट्रेशन में मोल दिया हुआ है तो इनिशियल मोल लिख करके चलो कितना कितना दिया हुआ 0.087 mole, 0.087 मोल एनओ का एंड 0.0437 मोल ऑफ Br2 ये दिया हुआ है आर्मी ग्रीन एक क्लोज कंटेनर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एनओ Br चुके प्रोडक्ट है इसलिए इसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। अब एट इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में क्या कर रहा है एट इक्विलिब्रियम और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ एनओ एंड बीआर यानी कि इनका कितना हो तो आप क्या करो इसकी जगह पर पहले x का वैल्यू पुट कर दो यानी कि जैसे x के जैसा मोल निकालते थे तो यहां इनका 2 मोल है तो ये वैल्यू हो जाएगा 2x यहां 1 मोल है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.0437 माइनस x और यहां इनका 2 मोल है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.087 माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन में 2x का वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ है तो अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे यहां देखना नाउ 2x यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO Br इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0537
0.0518. Therefore, x would be equal to 0.0518 divided by 2. इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. अब ये x का वैल्यू निकल गया. अब जब ये x का वैल्यू निकल गया तब इसके बाद में therefore at equilibrium, अब बाकी के इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एनो या नंबर ऑफ मोल लिख सकते हो आप. अमाउंट पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में गांठ डाल देते हैं तो मोलरिटी हो जाता है, तो इसलिए टेक्निकली वहां पर एरर हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ एनओ, एनओ एनओ का नंबर ऑफ मोल वैल्यू कितना आ रहा है, 0.087 माइनस 2x. तो संयोग से 2x का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.087 माइनस 0.0518 ये वैल्यू हो जाए. इसको सोल्व कर दोगे. फिर उसी तरह से Br2 का अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Br2 ये सोल्व करोगे, ये वैल्यू है 0.04737 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू यहां जो 2 से डिवाइड करने पर आया है उसको पुट कर देंगे तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा. उसी में किसी में क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए कंटेनर ऑफ 2 लीटर वॉल्यूम. जब मोल निकल गया तो सबको 2 से डिवाइड करोगे वॉल्यूम से तो मोलरिटी निकल जाएगा. तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो हमने यहाँ सोल्व कर दिए. तो आप इसको खुद से बनाइएगा. अगले क्लास में हम लोग ली चैटेलियस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट है और फिर रिएक्शन क्वेश्चन है. आज यहीं तक. थैंक यू.